अपने क्राउन लीडर श्री परशुराम सर को मन पर बुलाना चाहता हूँ। जोरदार ताली और जबरदस्त। अभी कैसे अवार्ड का समय है, देने का समय है, जो कुछ हमारे बीच में बहुत ही कर्मठ तो हैं, कोई चीज सिस्टम अपलाइन कंपनी की तरफ से आता है तो तत्काल उस पर लग जाते हैं। कुछ लोग बहुत देरी से जगते हैं, पानी मारो, छींटा मारो, डंडा मारो, गर्म पानी मारो, मम्मी दो चार झाड़ू मारो तब जगते हैं। अगर एक आदमी बोलने से जग जाता है, अंतर होता है। सेठ साहब 18 साल से काम कर रही है इस देश में, तभी इसको ये प्रमाणित करने जरूरत नहीं कि मैं क्या हूं, क्या हूं, कंपनी क्या है, ये हम बोलते नहीं। अभी बंद कर दिए सब बोलना। लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वेबसाइट पे जाइए, भारत सरकार के रजिस्टर्ड कंपनियों में तीसरे नंबर पे नाम आपका आ जाएगा। तो लीगल के बारे में भी हम बात नहीं करते। सक्सेस की बात करें तो सबसे ज्यादा अचीवर पैदा करने वाली कंपनी वो सेफ साफ है। अचीवर जब आप लाइन से खड़ा करेंगे ना कि ये खड़े हो जाओ लखपति या करोड़पति, तो कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा इस देश में। आपको बताना चाहेंगे, कोई एक दो बता देगा हमने फला खरीद लिया, तुमने खरीद लिया और बताओ कितने लोगों ने खरीदा, ये बता पाना उसके लिए मुश्किल है। हमारे यहां ये बता पाना मुश्किल है कि कितने लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो सेफ साहब मोहताज नहीं है, हाईएस्ट पे आउट देने वाली कंपनी थी पहले 1 करोड़ साल के। 1 करोड़ साल के एक होता है बोलने का और एक होता है प्रैक्टिकल देने का। ऐसा प्रेजेंटेशन कंपनसेशन प्लान होता है, ऐसा मार्केटिंग प्लान होता है, कहते हैं 70 अरब मिलेगा। प्रैक्टिकल आओ, कितने लोग कमा रहे हैं, कोई नहीं। हमारे कंपनी में ज्यादा मिलता है, मिल किसको रहा है ये दिखाओ, मिल किसको रहा है ये दिखाओ हमको, तुम चेक दिखाओ, नहीं दिखा पाएंगे। 1 करोड़ देती है, 1 करोड़ प्रैक्टिकल मिलता है, आप मेरा चेक कर सकते हैं। इस वीक का इनकम है 2,74,000, मेरा चेक है 2,74,000, 7 दिन की इनकम है मेरी। तो हम बतौलेबाजी नहीं करते हैं, जितना है उतना मिलता है, मिल सकता है, छोड़ो। समय समय पे सेफ साहब ने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव किए हैं, उन्हीं बदलावों में एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव जो सेफ साहब ने लिया है और बहुत सारे और उसमें इंप्रूवमेंट हर दिन हो रहे हैं, और वो बदलाव ये है कि हम रिटेल सेक्टर में आए हैं और रिटेल में भी हम वेलनेस इंडस्ट्री में हमने कदम रखा है। वेलनेस क्या है? यहां पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबके घर में रोगी हैं या नहीं है बोलिए, हाथ खड़ा करिए जिनके घर रोगी नहीं है। बिल्कुल जमाने जमाने होंगे, एकदम शादी नया नया कोई हो ही नहीं तो मम्मी पापा होंगे, बाबा होंगे, तो रोगी तो हो नहीं है। सबके घर रोगी हैं, रोग के मामले में हम दुनिया में बहुत बहुत टॉप लेवल पे हैं। हेल्थ के मामले में हम दुनिया में 100 नंबर से भी पीछे हैं। हेल्थ फिटनेस के मामले में 0 है हम। डायबिटीज किंग है हम दुनिया में, घर घर डायबिटीज है। और जो 20-22 साल घूम रहे हैं आप, अभी ज्यादा यही लाइफ स्टाइल आप करा, 3 से 5 साल के अंदर आपको जवानी में डायबिटीज हो जाएगा, और ऐसा जहर है कि धीरे धीरे मारता है। हार्ट अटैक के तो हमें भारत रत्न मिलना चाहिए, दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आने वाला देश कौन है? उसके बावजूद आपके चेहरे मुस्कान है, जैसे कितना बड़ा हम भारतीय, कितना बड़ा जग जीत लिए हैं। क्यों ऐसा क्यों?
हम सेहत के मामले में अलर्ट नहीं हैं, हम आलसी लोग हैं, कुछ भी खा लेते हैं, जरा भी जागरूकता नहीं है। हमारा दुकान अगर चले तो हम रात दिन दुकान पे बैठे रहेंगे पेट फुला के, और वहीं चाय या बिस्किट लेते रहेंगे, नमकीन चम्मच से खाते रहेंगे, वहीं बेचते रहेंगे धनिया जीरा में 24 घंटा वहीं बैठ के। पेट बढ़ता जा रहा है, धन और पेट दोनों बराबर 1:1 में बढ़ता है। मतलब हमें पैसा चाहिए सेहत कैसी तैसी। रेलवे स्टेशन में 24 घंटा दुकान खुलती है, और यूरोप ये लोग घूम के आए हैं 5 बजे दुकान बंद हो जाती है, 5 बजे बाद बुढ़िया बुढ़वा सब पहन के कपड़े स्पोर्ट शूज अपना दौड़ लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। यूरोप में हेल्थ के मामले आपको सब मिलेंगे, 6 फीट के जवान बिल्कुल एकदम सीधा स्लिम ड्रीम दिखेंगे सब, और हमारे यहीं हाल में बैठे खोजिए इस टाइप लोग, मुश्किल से 10% मिलेंगे, वो भी खाना कम मिला इसलिए मिल जाएंगे, नहीं तो सबका यही आकार लेता है। 16 साल तक ऐसे आता है, 16 के बाद ये घूमना शुरू कर देता है और पेट निकल जाएंगे, यहां निकल गया, यहां निकल गया, सब निकल गया। शीशे में आप देखिए असली, इसीलिए हम लोग बैगी कपड़ा पहनते हैं ताकि छिप जाए उधर ही, इतना खराब है। थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। तो वेलनेस क्या है? एक उपाय है कि हम ऐसे उटांग पटांग खा पी के शरीर वरीर खराब करके बीमार हो जाएं, और बीमार होने के बाद नकली फर्जी दवा खाएं और बीमार होकर मर जाएं और पैसा भी बर्बाद हो जाए, यही होगा लास्ट में। सब नकली दवाएं 90%, अब 90% तो नहीं बता सकता, अपने घर का अनुभव बता रहा हूं, 90% 100% नकली दवा हमारी मम्मी खा रही है, ठग लिए बुरी तरह और बीमारी बढ़ा दिए। तो एक तो उपाय यही है कि पैसा भी जाए शरीर भी जाए, नकली दवाई खाओ जीवन भर। और दूसरा उपाय है कि वेलनेस सप्लीमेंट खाएं, बढ़िया खाना खाएं ताकि बीमार पड़े ही नहीं, तो उससे बच जाएंगे आप। बचाओ, इलाज नहीं, क्या बचाओ। और बचाओ के लिए आपको थोड़ा जागरूक होना है, बढ़िया आपको पानी पीना, जो आप लोग पीते हैं बढ़िया हवा, गांव देहात में तो और अच्छा मिला, शहर में है तो भी लखनऊ खनऊ ठीक मामला, ज़्यादा ठीक तो लखनऊ नहीं है, थोड़ा पेड़ पौधा लगाइए। हेलो, तो पानी और हवा दो। तीसरा जो है बढ़िया भोजन, ये तीन चीज़ अगर मिले तो आप स्वस्थ रहेंगे। बढ़िया भोजन से मतलब आपको दिन में थोड़े थोड़े करके 2-3 बार खाना चाहिए, और कंप्लीट डाइट आपको मिलनी चाहिए। लेकिन कंप्लीट डाइट के नाम पर क्या मिलता है? सप्ताह के 7 दिन अपने डाइट को आप लिखिए, आप सुबह से शाम तक क्या खाए, जब से खाते हैं तुरंत लिख लीजिए मैंने ये खाया। 7 दिन लिखने के बाद आप देखिएगा उस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे फूड मिलेंगे जो आपके लिए जहर का काम कर रहे हैं। ऐसे फूड को रिमूव कर दीजिए, निकाल दीजिए, और उन प्रोडक्ट जहां रिमूव किया खाली रिक्त स्थान है उसके जगह पे कोई हेल्दी फूड डाल दीजिए। आप थोड़ा जागरूक होइए, क्योंकि आप नहीं है, शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप हेल्दी फूड डालिए, हेल्दी फूड में सप्लीमेंट आता है। आज के जमाने में जितने भी हम सब्जी और फल भी खाते हैं तो 100% प्योर नहीं होता, उसमें इंजेक्शन लगा लगा के बड़ा किए जाते हैं, तो प्योरिटी उसमें भी नहीं है। आज का जमाना सप्लीमेंट के बिना कोई भी आदमी कंप्लीट डाइट नहीं ले सकता है, और समय भी नहीं है कि आप 1 किलो गाजर खाएं बैठ के। बोलिए, अब खाएं हैं तो हो जाएगा, आपके पास फुर्सत 1 किलो गाजर खाने के लिए? अगर कहीं खाएंगे बैठ के तो क्या हाल होगा आपका, सोचिए। इसलिए सप्लीमेंट, तो वेलनेस इंडस्ट्री आई है जो सप्लीमेंट का जमाना है, और प्योर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई ड्रग्स नहीं है, वो उन्हीं चीजों से बनाए हुए हैं, निचोड़ के टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है, जो प्रोटीन है हर तरह के सभी को जरूरत है। जितनी प्रकार की डायबिटीज के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, अब कितना हम आपको प्रोडक्ट्स की तारीफ करें, अपने पास ऐसा यहां कोई व्यक्ति नहीं बैठा जिसके घर पे सभी प्रोडक्ट की जरूरत न हो।
और अभी से वो अपने परिवार में अगर उसे यूज करेगा तो निश्चित तौर पे वो स्वस्थ रहने वाला है। ऐसे प्रोडक्ट सेफ शॉप में आ चुके हैं। उन सभी प्रोडक्टों में आपका मोरिंगो का टक्कर पूरी दुनिया में कोई प्रोडक्ट नहीं दे सकता है, पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। ज्वाइंट पेन का टक्कर कोई नहीं दे सकता है। इतना शॉर्ट चल रहा है, इतना शॉर्ट चल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है सेफ शॉप में। तो हम एक पैसे कमाने के साथ साथ एक स्वास्थ्य मिशन में भी जुड़े, लोगों को स्वस्थ करें, उन्हें सप्लीमेंट दें, उन्हें हेल्दी बनाएं, उन्हें खाने के तौर तरीकों को सिखाएं, उन्हें एक्सरसाइज के बारे में बताएं, पूरा डाइट के बारे में उन्हें बताएं, यानी उनको स्वस्थ भी रखें, रोजगार भी दें उन्हें, डायमंड भी बनाएं, तब तक कंप्लीट सफलता होगी, बोलिए। तो ये मिशन के साथ आपको काम करना हो, और मिशन के लिए ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री इकाई है, वेलनेस इंडस्ट्री, ट्रिलियन डॉलर, लाखों करोड़ का बिजनेस है ये। और इस बिजनेस में हम हाथ डाले हैं तो आप कितना टर्नओवर कर सकते हैं, कितना बिजनेस कर सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर करके कितना बड़ा आप अंपायर खड़ा कर सकते हैं। हमारे ही आंखों के सामने पतंजलि आज 10,000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर करने लगी है। उनके प्रोडक्ट्स सब वही तो हैं भारतीय पद्धति द्वारा, आयुर्वेदिक है, बोलिए। और इन्हीं कंपनियों को देख के अमेरिकन कंपनियां भी एलोपैथ छोड़ छोड़ के वो भी इसमें आ चुकी, वो भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगी बनाने। अपने पास भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और इस देश में सबको जरूरत है, और ये पूरी तरह से चेंज हो रहा है, सभी इस प्रोडक्ट्स पे आ रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स के दम पे आपके पास एक ऐसा अवसर है, जैसे अरविंद जी ने हजारों का नेटवर्क बनाया, ऐसे आप नेटवर्क बना के इन प्रोडक्ट का आप टर्नओवर करके आप बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं। सेफ साहब पहले 8 लाख देने का दम रखती थी, तो श्री नरसिंह ग्वाल सर बोलते थे सेफ साहब 8 लाख देने का दम रखती है। हमारे अपलाइनों में दम था लेने का, उन्होंने लेके दिखाया, मैंने भी लेके दिखाया, आप लेके दिखाएंगे? ये आप बोले ना, ऐसे ग्रीवाल सर बोलते थे, तो हम भी आपकी तरह बीच में बैठ के बोलते थे यस, और मैं यस यस बोल के जो बोलते थे वो मैंने पूरा कर दिया। सेफ साहब फिर कह रही है कि मैं 28 लाख रुपया महीने का देने का दम रखती हैं। क्या लेने का दम रखते हैं आप? फिर हमारे नरसिंह ग्वाल सर जंग में कूद चुके हैं और लेके दिखा दिए, और हम लोग को बोलना ताली ना बजाइए, बस वो हमको बोलना शुरू किए हैं कि वो देने का दम रखता है, मैंने भी लेने का दम रखता है, लेके दिखाया, क्या तुम ले सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल मैं ले सकता हूं, क्या आप लेना चाहेंगे? तो कई लोग कहते हैं बेरोजगारी है, कुछ मिल नहीं रहा है, रोजी रोजगार में तरक्की नहीं है, सब घाटा चल रहा है, यहां मिल रहा है, लेने को दम चाहिए थोड़ा, और आपके पास दम है तभी बैठे हुए आप। थैंक यू। तो दोस्त इसी मिशन में कुछ लीडर जो हमारे पास हैं, जो कुछ भी सिस्टम की तरफ से आता तत्काल फॉलो करने लगते हैं, और उन्हीं लीडरों का नाम है जो इस वेलनेस इंडस्ट्री में धूम मचा दिए हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, क्रांति छेड़ दिए हैं, और 100% वो 28 लाख इनकम लेने के लिए निकल चुके हैं, वेलनेस इंडस्ट्री क्रांति बना के काम कर रहे हैं, और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है वो शुरुआती दौर में कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति ज्वाइन करने के बाद फ्रेशर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, ऐसे हम भी इस बिजनेस में अभी फ्रेशर हैं, और फ्रेशर पे वो लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो जरूर उनको मैं तारीफ करना चाहूंगा, और उन्होंने इतना बेहतरीन काम करके दिखाया है। ये ऐसे लीडर हैं जो कहा जाता तुरंत करना शुरू कर देते हैं, और करना सबको है, आज करो या कल करो। तो दोस्त इसको मुहिम बना के काम करना है, बेरोजगार मुक्त भारत करना है, बेरोजगारी खत्म करना है, और स्वास्थ्य भी देना है, दोनों देना है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी देना है, और स्वास्थ्य भी देना है। कैसा रहेगा बोलिए? आपसे कोई पूछे आप करते क्या हैं, क्या करते हैं आप, तो आप क्या बताएंगे? सेफ साफ माने क्या साफ करते हो, क्या करते हैं? टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी और स्वास्थ्य आपको लोगों को देते हैं, यही मेरा काम है। कैसा काम है बताइए जरा, बढ़िया काम है कि नहीं? तो इसको मिशन की तरह करना है। आप सभी को दिल से धन्यवाद।
इस बात का धन्यवाद कि आपने आप डायमंड बनने का डिसीजन लेके जा रहे हैं।